गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज की एक्टिविटी हम आर्ट सेलिब्रेशन में करेंगे और जो भी एक्टिविटी आप करते हैं आप उसको अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा स्केचिंग में है तो ड्राइंग बुक में भी बहुत सारी एक्टिविटी हम कर चुके हैं, तो उसकी भी आप प्रैक्टिस कर करके अपने क्लास ग्रुप में डाल सकते हैं। आज हम जो करेंगे वो पेज नंबर 25 करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 25 में आपको क्या करना है, स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं, क्रेयॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपको पैटर्न्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप, या फिर आप बीच में से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से करके आपको, मैंने क्रेयॉन्स लिया है, इस तरह से करके पतली 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 लाइन्स बनानी है। और पैटर्न आप चाहें तो आप कोई सा भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें देख के बनाए, और जो गैप है आपका लाइंस का वो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे से आप इसको ऐसे ले सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है आप इसको कॉपी करें, आप अपनी मर्जी से भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मिक्स करके ऐसे यहाँ पे भी हम लाइन बना देंगे, ठीक। अब ये वाली एक इसको बनाना है तो इसके लिए भी आपको ऐसे पास 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 इसको बोलते हैं हम पैटर्न्स बनाना, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं, इसी तरह से हम इस बोर्ड को कंप्लीट करेंगे। और जो सन है, सन में हमको ये डॉटेड लाइन जो है उनको हमको इस तरह से करना है, ठीक है। इस तरह से इनको जोड़ना है, ये। अब आपको क्या बनाना है, इसमें क्लाउड्स बनाने हैं। आप पर्पल कलर ले सकते हैं, मैंने स्केच पेन ले रही हूँ यहाँ पे। आप दोनों को यूज़ करके बना सकते हैं, स्केच पेन और क्रेयॉन्स। अब मैं इसमें लूँगी लाइट ब्लू क्रेयॉन्स, ठीक है। पास 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 बनाना है आपको, कोशिश करना है कि बहुत ही कम ये वाइट पेपर दिखे, पूरा पेपर जो है कलरफुल हो जाए। इसी तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे, आपको कोई भी जगह छोड़नी नहीं है इसमें, पूरे में आपको इसी तरह से बनाना है। यहाँ पे हम लेंगे ग्रीन कलर, इस तरह से ग्रीन कलर से इन विंडोज़ को आपको क्या करना है, कलर करना है ये। इसको ऐसे आपको कलर करना है, और इधर मैं येलो कलर लूँगी, येलो कलर से इस तरह से डिज़ाइन बनानी है। इस तरह से पूरी जितनी भी जगह है इसको आपको क्या करना है, भरना है। और यहाँ पे आपको वेव्स बनानी है, तो इसके लिए आप डार्क ब्लू कलर भी ले सकते हैं इस तरह से। इसी में हम बीच बीच में लाइट भी डाल देंगे कलर, इसको आप स्केच पेन से बना सकते हैं और क्रेयॉन से भी बना सकते हैं। इस तरह से आपको अपनी एक्टिविटी को पूरा करना है। आप पैटर्न और तरह के भी बना सकते हैं, इस बोर्ड को भी आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है जैसे ये वाली बोर्ड बनाई है। तो और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको अपने
क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं जिस तरह से आपको पसंद आए। और ये देखिए, इस बोर्ड को भी मैंने ऑरेंज कलर से कंप्लीट कर दिया। बस ये है कि वाइट जो है जगह कम दिखनी चाहिए, पेपर आपका कम दिखना चाहिए। इस तरह से आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर करें।